है उनकी, उसके रिगार्डिंग जो फर्दर लॉ ऑर्डर इश्यूज हैं उसको कैसे हैंडल किया जाना है और उसको लेके क्या कॉल लिए जाना है, उसको लेके बंगाल के जो पदाधिकारी आए थे उनको डिसाइड करने दीजिए, उनको कॉल लेने दीजिए। और हम लोगों ने जो हमारी भावना थी जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण था उससे हम लोगों ने अवगत कराया, और जैसे ही डिस्कशन जो है किसी फाइनल एंड तक पहुंचेगा तो हम लोग आपको बुला के पुनः ब्रीफ करेंगे। सर वेलकम गेट बैनर से वेलकम गेट बैनर से पहले जिला प्रशासन कुछ हुआ है कि पानी बंद कर दिया गया वहाँ? नहीं नहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं कि पानी बंद कर दिया गया, अभी तो पानी ही इतना नहीं है। संकट तो इस बात का है कि हम लोग प्रेयर करें कि भाई और ज्यादा बारिश हो सके, किसान जो है धान की खेती प्रॉपर तरीके से कर सके, तो पानी को रोकने जैसी कोई बात अभी नहीं है। पुलिस बिना अनुमति के यहाँ चली जाती है और सीधे जो है उसको गेट में परिवर्तन कर देती है, इसको क्या कहेंगे? उसको लेके हम लोगों ने अवगत कराया है टाइप का, और सीनियर ऑफिशियल्स के थ्रू भी कन्वे कराया गया है टाइप का कि भाई ये ऑफिशियल लेवल पे इस तरह का इंक्रोचमेंट जो है नहीं होना चाहिए, इसको लेके कन्वे कराया गया है। और जो है इस पे भी जो है वहाँ के भी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और उनको इसकी जानकारी है, इसलिए इस पे कोई फर्दर डिस्कशन का स्कोप नहीं। स्टेटस को मेंटेन रहेगा, अभी स्टेटस को मेंटेन रहेगा वहाँ? अभी जो है हमने बताई आपको कि अभी जो है यथास्थिति वहाँ पे है टाइप का, कि जिस पोजीशन पे हमने बताया आपको कि जो वीरभूम से पदाधिकारी आए थे उनसे बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, और उन्होंने कहा है कि चूंकि हम लोग फाइनल कॉल नहीं ले सकते हैं इसलिए हम लोग अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके पुनः जो है दुमका आएंगे, वो लोग विजिट करेंगे, हम लोग पुनः बातचीत करेंगे, और पुनः अगर जरूरत पड़ेगी कि अगर उनसे रिजॉल्व नहीं हो पा रहा तो और सीनियर लेवल पर मैटर को ले जाया जाएगा, लेकिन शायद इसकी जरूरत नहीं। तो लोग सर के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अप्रेंसिव थे कि अगर वहाँ पर रिनोवेशन वर्क कंटिन्यू रहता है या पेंटिंग अगर एज इट इज रहता है तो कुछ अप्रिहेंडिव थे वो लोग? नहीं, मुझे जो चीज़ कहनी थी, सवाल भी आपके हैं और उत्तर आप चाहते हैं टाइप का, तो इसका कोई स्कोप नहीं। हमने आपको बताया कि हर आस्पेक्ट को लेकर रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, रिगार्डिंग पेंटिंग ऑफ डैम, रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ गैंट्री, ये तीन इश्यूज थे बेसिकली जिसको लेके इन डिटेल हम लोगों ने डिस्कशन किया। लेकिन सर ये इश्यू बढ़ गया है कि वो जो एक एग्रीमेंट वाली सो कॉल्ड एग्रीमेंट जो हुआ था वो मिस्टीरियसली वो गायब है और शायद आपके पास भी वो नहीं होगा बीइंग द स्टेक होल्डर ऑफ। नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट्स हैं। सी मैं पुनः मैं सभी जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, कई लोग बंगाल से मुझे दिख रहे हैं, कई नए चेहरे, कई नए चेहरे, उनका भी स्वागत है। मैं इतना ही केवल कहूंगा कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं कहें और ऐसा कुछ नहीं करें, हम सब लोग मिलकर, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कोई रानीश्वर में रहने वाला आदमी कंफर्टेबल नहीं हो या सिवड़ी जाने वाला आदमी आशंकित हो जाए, एक एक कॉमन लिविंग स्पेस उनका एक लंबे समय से रहा है, इसको मेंटेन किया जाए और इसकी रिगार्ड की जाए टाइप का। डैम को लेके जो इशू है, ठीक है, 1956 में डैम बना है, उसको लेके जो डॉक्यूमेंट्स है और जो आप कह रहे हैं कि मिसिंग हो गया है टाइप का, पेपर्स कभी मिसिंग नहीं होते, कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास रहता है, और कई डिटेल डॉक्यूमेंट्स हैं वो 56 के टाइम से अभी तक, और झारखंड 2000 में बना तब से लेके 18 तक, 2018 में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उसको लेके जो पेपर्स हैं वो उपलब्ध हैं, उसको लेकर अगर कोई लीगल कोर्स ऑफ डिस्कशन है किसी भी फ्रंट के पास तो उसको किया आ सकता है। लेकिन इससे इसको कोरिलेट नहीं करने की ज़रूरत है कि डैम के कलर को लेके या गैंट्री को लेके जो ऑब्जेक्शन रेज हो गया इसी से पूरा डैम का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाना है टाइप। कलर हो रहा है वो नया कलर का ऑब्जेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ से है या पार्टी के तरफ से है? मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे लगता है मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं टाइप का, कि कलर्स को लेके मैंने कहा कि 1956 में डैम बना, 2000 से झारखंड बना, 2018 में हम लोग इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं टाइप का। हमने यही कहा है कि जो कलर्स को लेके लॉ ऑर्डर के इश्यूज रेज किए गए हैं टाइप, जिसमें लोगों ने विरोध किया है, कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने उसका प्रतिनिधित्व किया है टाइप का, उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया था, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन जो है प्रशासन की तरफ से रेज नहीं किया गया था। ये ज़रूर है कि फर्दर लॉ ऑर्डर के कोई इश्यूज नहीं है, उसको लेके हम लोगों ने अभी इसको होल्ड पे रखा है, लेकिन ये जो है आपत्ति जो है लोगों की तरफ से आई थी, और जो गैंट्री के ऊपर फिर से जो है बंगाल पुलिस के कुछ जवान लोग आया, विजिट किया, उन्होंने उसके ऊपर सर्टेन चेंजेस करने का अटेम्प्ट किया टाइप का, उसको लेके भी जो है डिस्प्लेजर हायर लेवल पे शो किया गया है। और ये प्रशासन वर्सेस प्रशासन नहीं है, ये गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये डिस्कशन जो कलर और गैंट्री को लेके है गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए पब्लिक के द्वारा ये रेज किया गया है कुछ सर्टेन पॉलिटिकल